नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। आखिरकार कर्नाटक में सरकार गिर गई है, कांग्रेस और जेडीएस की। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है कि वो राज्यपाल के पास जाए प्रस्ताव लेके वहां सरकार बनाने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां किसी भी तरह के हड़बड़ाहट नहीं दिखा रही, यहां तक कि वो बहुत सोच समझ के कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार है। येदियुरप्पा, संभावना बहुत ज्यादा है कि येदियुरप्पा ही एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में दिन भर में कई सारे रिएक्शन आए। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि कर्नाटक के लोगों का विश्वास हारा है, ना कि कर्नाटक के में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी है, बल्कि वहां के लोगों का विश्वास गिरा है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार जरूर पता चलेगा कि सारी चीजें खरीदी नहीं जाती है, लोगों का विश्वास नहीं खरीदा जा सकता है। शशि थरूर ने ट्वीट करके बताया है कि जो पार्टी जानवरों का नीलामी करती है, जानवरों की नीलामी करने पर रोक लगाती है, अब उस पार्टी की सरकार होगी कर्नाटका में। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से यह ट्वीट किया गया है कि एक बार फिर से कर्नाटक के लोग खुश होंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहां के किसानों के मुद्दे सुलझाए जाएंगे, केंद्र में तथा राज्य में एक ही सरकार होगी, इससे वहां की जनता ज्यादा खुश होगी, वहां के लोगों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाएगा। सबसे बड़ी जो रिएक्शन रही वो मायावती की रही। मायावती ने अपने पार्टी के विधायक जो वहां पे थे उनको निलंबित कर दिया है। उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि वो पार्टी के नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया है, इस वजह से उन्हें निलंबित किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे कर्नाटक के का जो आज राजनीति में पूरा रिएक्शन रहा वो कुछ इस तरीके से रहा। जिस जहां कांग्रेस में निराशा थी, कांग्रेस दुखी थे, तो उन्होंने सीधा सत्तारूढ़ सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी पे अपना हमला किया है। तो वहीं सत्तारूढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से खुशी जाहिर की है और लोगों के साथ, लोगों को गुड गवर्नेंस देने की बात कही है। देखिए खास रिपोर्ट इस पे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आज हमारे संवाददाता आशुतोष से बात की, उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष सिंह। कर्नाटक में जो बीजेपी जो सरकार थी वो एक बार फिर गिर गई है और वहाँ पर जो आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीद लिया है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा। सर, सर आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो वहाँ पर सरकार गिरी, उन्होंने बीजेपी ने जो विधायक हैं वहाँ उनको खरीद लिया है, तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या बोलना चाहेंगे आप? फैक्ट्स तो ये है कि वो विधायक अपने आप में बहुत अच्छा वजूद रखते हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड हैं, वो वैसे लोग नहीं हैं जिन्हें खरीदा जा सके। और खरीद फरोख्त विधायक की नहीं होती है, वो कोई मार्केट में जो दाल सब्जी नहीं है कि उन्हें खरीदा जा सकता, वो अपने विवेक से काम करते हैं। और आज जो विपक्ष में हैं, जो कल तक सत्ता में थे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इलेक्टेड होने के बाद भी लोग ये जानते हुए कि वो अपने सीटों को लूज़ कर जाएंगे उसके बाद भी वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, ये बहुत बड़ा तमाचा है। और जब तक वो नहीं समझेंगे इस बात को, सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करना है तो वो करते रहें। हम विपक्ष में थे, अभी भी विपक्ष में हम हैं, और हम जब तक विपक्ष में रहेंगे तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी सरकार को बचा के रखें। हमारा ये धर्म बनता है, क्योंकि हम राजनीति में हैं और राजनीति का मतलब ही है कि हम सत्ता में आने का प्रयास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और एथिकल मीन्स को यूज़ करके। यहाँ तो हमें यूज़ करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद ही एमएलए रिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते। लेकिन सर, बीजेपी पर हमेशा से जो आरोप लगते रहे हैं वो आरोप इस बात का कि बीजेपी कोई विपक्ष नहीं चाहती, वो चाहती है कि विपक्ष जितना कमज़ोर हो जाए। लेकिन लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्ता पक्ष हो उतना ही मजबूत एक विपक्ष भी होना ज़रूरी है, तो क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बीजेपी डिसाइड नहीं करती, ये लोग डिसाइड करते हैं। लोगों ने बीजेपी को इतना भारी बहुमत दिया है और लोग कांग्रेस के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, करप्ट पॉलिटिक्स हैं, उन सब से त्राही त्राही कर रहे हैं और कांग्रेस को नहीं देखना चाहते। नहीं तो वो एमएलए जो उनके वोट से जीतता है वो क्यों रिज़ाइन करेगा? अगर दोबारा लड़ेंगे तो उन्हें वहीं जाना पड़ेगा ना। तो आप ये खुद सोचिए कि बीजेपी का ये काम नहीं है। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन मजबूत होने के लिए आपको देश की बात करनी पड़ेगी, देश के लिए राजनीति करनी पड़ेगी। यहाँ तो आप परिवार के लिए राजनीति करते हैं, देश कहीं भी जाए परिवार को बचा के रखना है, तो लोगों को मालूम है, इसलिए ये सब क्रिटिसिज्म होल्ड नहीं करेगा बीजेपी के खिलाफ। सर, लेकिन अब आगे जो कर्नाटक की राजनीति है, कर्नाटक में क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्या आपको क्या लगता है कर्नाटक का? हमारे कंधों पर जब दायित्व दिया जाएगा तो हम उस दायित्व को निभाएंगे, और हमारा मानना है कि वहाँ पर जनता पर एक बोझ नहीं डालना चाहिए। अभी 4 साल और है इस सरकार को, और बोझ डालना सही नहीं होगा। कर्नाटक को गुड गवर्नेंस चाहिए, और अगर हमें एक मौका मिलता है और हम अपनी सरकार बना पाते हैं तो गुड गवर्नेंस दे पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कितना मौका मिलने कितने चांसेस है, क्या मौका मिलेगा बीजेपी को?
बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारी सरकार बनेगी, मेजोरिटी प्रूव करेगी और कर्नाटक को हम गुड गवर्नेंस देंगे जो कर्नाटक ने नहीं देखा है। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा सर, हम उनसे बातचीत कर रहे थे कर्नाटक के मुद्दे पर। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। तो फाइनली कर्नाटक में हम बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां आएगी, जैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा ने कहा है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो बहुत जल्दी वहां सरकार बनाएंगे और साथ में कर्नाटक के लोगों को गुड गवर्नेंस देंगे। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ और ऐसी खबरों को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।